भारत का पड़ोसी देश जो पहले कभी भारत का हिस्सा था, 1947 में भारत की आजादी के साथ ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जिसे 1971 में भारत की मदद से पाकिस्तान से आजादी मिली। इस शहर को सिटी ऑफ मॉस्क यानी मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। तो फिर देर किस बात की है, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ इस अनोखे देश की सैर पर। तो सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। देश की कुल आबादी है लगभग 17 करोड़ और जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। सिर्फ 56,990 वर्ग मील में फैला ये देश दुनिया का 92वां सबसे बड़ा देश है। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो ये 195.1 बिलियन डॉलर है, मतलब प्रति व्यक्ति 3,900 डॉलर्स। यहाँ की कुल आबादी का 40% हिस्सा शहरों में रहता है और बाकी का 60% आज भी गांव में ही बसा हुआ है। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, बाकी के लोग हिंदू और अन्य धर्मों को मानने वाले हैं। यहाँ की राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला शहर चित्तागोंग बांग्लादेश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक है। ढाका दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही एक गरीब देश है, पर ढाका में हर वो सुविधा मौजूद है जो बड़े बड़े शहरों में मौजूद होती है। यहाँ पर आपको हर कोने पर एक मस्जिद नजर आएगी। यहाँ की कई मस्जिदें तो इतनी खूबसूरत हैं कि आपका मन खुश हो जाएगा। अगर बांग्लादेश के सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो ये है खेती। ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ की लगभग 80% आबादी किसान है। दुनिया में जितने बड़े बड़े भी कपड़ों के ब्रांड्स हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में होता है। लगभग दुनिया के 60% गार्मेंट्स का प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। अगर साक्षरता की स्थिति देखी जाए तो बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। करीब 61% पुरुष जबकि 39% महिलाएं ही शिक्षित हैं। अगर बाल विवाह की बात की जाए तो नैरोबी के बाद बांग्लादेश का ही नंबर है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है और यहाँ ऐसे कई मामले सामने आते हैं कि पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। रिवाजों के नाम पर इस देश में काफी कुप्रथाएं चल रही हैं। यहाँ रहने वाली एक जनजाति में बेटियों की शादी उनके ही पिता के साथ करवा दी जाती है। इस जनजाति का नाम है मंडी जनजाति। ये लोग बाप बेटी के इस रिश्ते को काफी पवित्र मानते हैं और मानते हैं कि पिता हमेशा अपनी बेटी की हिफाजत करता है। यहाँ के लोग क्रिकेट के काफी दीवाने हैं, लेकिन यहाँ का नेशनल गेम कबड्डी है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय पुष्प है लिली और राष्ट्रीय फल है कटहल। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश के झंडे में आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक है हरा और दूसरा लाल। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान। सुंदर वन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदर वन का 40% हिस्सा भारत में है और 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदर वन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 700 से भी ज्यादा नदियाँ बहती हैं। एशिया की तीन सबसे बड़ी नदियाँ गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ बांग्लादेश से ही बहती हैं। हालांकि इन नदियों के कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, क्योंकि इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल बाढ़ आया करती है। पद्मा नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में कुल 17 एयरपोर्ट हैं, जिसमें ढाका का और चटगांव का एयरपोर्ट सबसे बड़ा है। ज्यादातर देशों में 4 सीजन्स देखे जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में 6 सीजन्स होते हैं, समर, ऑटमन, विंटर, स्प्रिंग, रेनी और कूल सीजन। एक बात जो आपको यहाँ की बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी वो है यहाँ की गंदगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा इसी बात से परेशानी हो सकती है। और गंदगी के बाद यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का ट्रैफिक। साइकिल और रिक्शों की वजह से यहाँ पर खतरनाक जाम दिखता है। सिर्फ बांग्लादेश के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा अनइंटरप्टेड सी बीच, जिसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पर ही लगता है बांग्लादेश का सबसे बड़ा बाजार, जिसे कोकस बाजार कहते हैं। एक हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर वैश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन को कानूनी मान्यता प्राप्त है।
टूरिस्ट के बीच ये देश काफी पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए काफी कुछ है। ये देश काफी सस्ता है इसलिए यहाँ घूमने के लिए आपको करीब 55 से 50,000 ही खर्च करना पड़ेगा। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बांग्ला और ऑफिशियल करेंसी है बांग्लादेशी टका। एक बांग्लादेशी टका 0.87 इंडियन रुपीस के बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये था बांग्लादेश। कैसा लगा हमारे साथ घूमकर कमेंट में जरूर बताइएगा, और कभी बांग्लादेश विजिट किया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।